से नहीं करोड़ों मुखों से चर्चा की जाए। जो बाबा साहब ने उपकार समूचे मानव समाज के लिए किया है उसको हम बयां नहीं कर सकते। उन्हीं के आदर्शों पर चर्चा आदरणीय विजय भानु पाल जी हमारा लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में कहीं न कहीं मुलाकात होती थी, बात होती थी। वो भी अपने दृढ़ संकल्पों के आधार पर किसी से समझौता करने का काम नहीं करते थे। उन्होंने ही जो बाबा साहब से सीखा होगा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष कर। निश्चित तौर पर बाबा साहब की कृपा से जो हमें पढ़ने का अधिकार मिला, आगे बढ़ने का अधिकार मिला और उसी रास्ते पर चलते हुए माननीय मंत्री जी ने यह विद्यालय की स्थापना करके आने वाली पीढ़ी को, पिछड़े क्षेत्र को जो शिक्षा की जोत जलाने का काम किया है उसके लिए हम वो सब सब समर्थ करते हैं। मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात करने का अवसर नहीं है। आज का दिन, आज ही के दिन जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तब राम के नाम पर वो मंदिर जो बना था उसको सही नहीं किया गया था। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं साहब से, ये ऋषियों की धरती, अमूलियों की धरती, संतों की धरती, भगवानों की धरती, इस धरती पर शास्त्र गुरु महात्मा पैदा हुए जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, समूचे मानव समाज के अधिकारों के पर कोई किसी कीमत पर समझौता करने का काम नहीं किया। संक्षेप में बाबा साहब के बारे में कह सकते हैं कि अगर इस देश में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा हुए होते, कि आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा दो बार अपनी देश की बड़ी पंचायत पर, प्रदेश की बड़ी पंचायत पर जो भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, एमपी एमएलए बनना तो दूर, हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे अगर इस देश में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा हुए। अब हमारे लोग समस्याओं को क्यों नहीं देख सकते थे? आपको मालूम है कि बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए, अंग्रेजों की एक टीम भारत के तमाम राजनीतिज्ञों को जो चर्चित थे, नामी गिरामी थे, उनसे समय पूछने गई थी कि हम देश को छोड़ देंगे लेकिन इस देश को चलाओगे कैसे, तुम तो काबिल हो नहीं। हम काबिल थे इसलिए 250 वर्ष राज करने का काम किया है। जब वो समिति गई तो मोतीलाल नेहरू के पास गई, जवाहरलाल नेहरू के पास गई, महात्मा गांधी के पास गई, गोखले के पास, राजेंद्र प्रसाद के पास गई, बहुत सारे नामी गिरामी लोगों के पास गए। किसी ने कहा अभी हम आराम कर रहे हैं, किसी ने कहा अभी हम स्नान कर रहे हैं, कोई भी फ्रेश रहे हो, कोई खाना खा रहा है, किसी से समय से बात नहीं हो पाई। लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर के पास 12 बजे के बाद जो समझ गई, बाबा साहब लिख रहे थे संविधान और एक कुर्सी में संविधान लिखकर रखना काम कर रहे थे। बाबा साहब से अंग्रेजों की टीम ने पूछा गांधी सो रहा है, नेहरू सो रहा है, गोखले सो रहा है, सब सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, तो जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उनका समाज जग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है इसलिए हम जगने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों की, बाबा साहब अम्बेडकर की बात का इतना असर हुआ
कि पूरे समाज को जगाने के लिए एक आदमी जगने की बात कर रहा है, निश्चित तौर पर देश जगेगा और हमें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। भाई साहब अम्बेडकर से प्रेमियों ने फिर पूछा कि यहां के लोग प्रेमी है नहीं, इस देश को कौन चलाएगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की ओर इशारा किया, गणेश देव पक्षी की ओर इशारा किया, इस देश में कोई व्यक्ति नहीं जो इस कुर्सी में बैठ जाएगा और इस संविधान के तहत कोई देश चलाने का काम करेगा। आपको मालूम है इस देश में जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके मरने के बाद ऐसा लगा कि अब देश कैसे चलेगा, लेकिन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नाम दिया, उससे देश चलाने का काम किया। उनके मरने के बाद फिर लगा पता नहीं देश कैसे चलेगा, तो इंदिरा जी आ गई, उन्हें आयरन लेडी कहा गया, दुर्गा कहा गया, उन्होंने बेहतर करके दिखाने का काम किया। उनके शहीद होने के बाद लगा फिर अभी देश कैसे चलेगा, हवाई जहाज चलाने वाले राजीव गांधी ने जो आज की तारीख में फितना राजी है, इतनी बड़ी फितना राजी देने का काम किया, उसी फितना राजी का इस्तेमाल करके आज भारतीय जनता पार्टी देश के शासन करने का काम कर रही है। उनके मरने का फिर लगा देश कैसे चलेगा। तो मैं ये बात ये साफ सुनकर कहना चाहता हूं कि देश चलता ही रहेगा, लेकिन बाबा साहब से एक बात तो कही थी, वे सही साबित होती नजर आ रही है। बाबा साहब ने कहा था किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, कानून कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। आज 76 साल आजादी के बाद जिस तरह से संविधान को लागू होना चाहिए वो निश्चित तौर पर उस तरह से लागू नहीं किया गया, वरना भारत के संविधान में वो चीजें हैं जो 2500 साल पहले उन्होंने सोचा करते थे। खुद ने क्या कहा, सर्वे हो सुखना सर्वे संश्राम सर्वे भद्राणि पश्चिमम पश्चिमम भाव भयो, कोई दुखी न रहे, मनुष्य जाति नहीं पशु पक्षी नहीं चार आचार गोचर कोई दुखी न रहे, ये भगवान बुद्ध की कल्पना थी। और बाबा साहब ने संविधान में एक वोट का अधिकार देकर बाबा साहब के सपने वाला भारत बनाने के लिए जो भारत को संविधान दिया है, एक वोट का अधिकार देकर उन्होंने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक और जिनमें हिम्मत हौसला होगा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने के लिए जो अधिकार दिए हैं, इस धरती में 3 युग बताए गए हैं, द्वापर त्रेता सतयुग, वो काम न सतयुग ने किया, राम ने किया, न कृष्ण ने किया, न शिव ने किया, जो तीनों युगों में तुम्हारे भगवानों ने नहीं किया वो बाबा साहब ने धरती पर एक युग का अधिकार लेकर के समाज के आखिरी पंख में खड़े आदमी को इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी में बिठाने का अगर काम किसी ने किया है तो इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर।